मैं जा रहा हूँ अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच देखने, फोर्थ ओडीआई जो है और मोहाली में हो रहा है. एंड खास बात यह है कि जो टिकट थी मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे नहीं मिलेगी बिकॉज सोल्ड आउट थी, लेकिन वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स टैग्ड मी ऑन अ पोस्ट कि जहाँ पे कोई बंदा टिकट बेच रहा था. मैं इससे पहले 2016 में देख के आया था T20 वर्ल्ड कप जो था, तो वहाँ पे भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इंडिया की बैटिंग सेकंड में थी, तो मुझे याद है शायद धोनी था या विराट कोहली था, उसने एंड में छक्का मार के जिताया था मैच को आखिरी ओवर में, मतलब 19th ओवर में. बहुत रोमांचक मैच था वो भी. आज देखते हैं क्या होता है, आज भी इंडिया जीतेगी होपफुली. अभी घर से मैं निकला हूँ तो 2 ओवर हो चुके थे इंडिया की बैटिंग के. मैं और लेट निकलता अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पहले होती, लेकिन अभी इंडिया की बैटिंग है सो आई विल हैव टू गो फर्स्ट. रेंज तो नहीं है जड़ी है ये, ठीक है यहाँ रहते हैं परमीश वर्मा जी, जिनको नहीं पता उनको बता दूं. हो बाकी जो मर्जी हूं तो हो रे बरे, पर गाल नहीं कटनी. 24 ओवर हो चुके हैं एंड स्कोर है 146 बिना किसी नुकसान पे. जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक 32 ओवर हो चुके होंगे, तो मुझे फाइनल जोरदार बैटिंग देखने को मिलेगी बिकॉज अब तक कोई आउट भी नहीं हुआ है. गाइस मेरा गेट है 1C, जैसे कि आप देख सकते हैं 1C इज दिस. अगर आप पानी की बोतल भी बाई करते हैं वो भी बिना ढक्कन के मिल रही है, बिकॉज वो नहीं चाहते कि आप पानी भर के ऐसे ग्राउंड में फेंको. जब मैं एंटर कर रहा था पुलिस वाला बोला कि हेडफोन्स भी फेंकने पड़ेंगे यहाँ पे बाहर. मैंने बोला पागल है, 800 रुपये के हेडफोन है फेंक के जाऊँगा. सर रिक्वेस्ट किया जाने दो ना यार, उन्होंने जाने दिया था. बिल्कुल जहाँ से बॉलर बॉल करता है उसके बिल्कुल सामने बैठा हूँ मैं. बहुत अच्छा व्यू है ये. बहुत कोशिश की इसने रोकने की लेकिन फोर हो गया. शिखर धवन जस्ट गॉट बोल्ड. और ये आउट दे दिया गया है कीपर बिहाइंड द स्टंप स्कॉट. कोहली इज गोइंग. लास्ट मैच में सेंचुरी की थी लेकिन इस बार स्टिल पीपल आर क्लैपिंग फॉर कोहली. दैट्स द स्पिरिट. बहुत ही जबरदस्त बैटिंग ऋषभ पंत के द्वारा. मैं पहली बार देख रहा हूँ उसकी बैटिंग. बहुत क्लासी स्ट्रोक खेलता है. गाइस 49th ओवर, एक छक्का लग गया है एक चौका लग चुका है पहले. आसमान में फुल अंधेरा है लेकिन ग्राउंड फुल लाइटिंग से भरा हुआ है. और ये तीसरी विकेट काफी देर बाद. ये मैच पूरा T20 बन गया है. 3 विकेट जा चुके हैं. 180 रन चाहिए 20 ओवर में.
काफी देर बाद एक विकेट, क्राउड में चहल पहल, क्यों रुक जाए, रिव्यू मांगा है ऑस्ट्रेलियन टीम ने, देख रहे हैं कि आउट है या नहीं है, LBW की अपील है। पूरी क्राउड में चहल पहल, खुशी की लहर, थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग। काफी टाइम ले रहे हैं थर्ड अंपायर, ओ अरे आउट नहीं दिया यार, क्राउड थोड़ा सा निराश बिकॉज आउट नहीं दिया गया है। दूसरा चौका, 33 बॉल्स में 50 रन्स बाय 8 टर्नर, और एक और छक्का, इस ओवर में 2 छक्के और एक बाउंड्री। अभी 5 ओवर में सर कितने रह गए हैं? 5 ओवर में 42 रह गए हैं और बैट्समैन दोनों फॉर्म में हैं। मुझे कुछ खाने की भूख लगी है लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ खाने, मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बस 3 ओवर 6 रन, आधे लोग तो स्टेडियम छोड़ के जा चुके हैं, बट बिकॉज वी सी नो होप नाउ ऑफ विनिंग। और ये 4 रन, इसी के साथ 2 रन चाहिए जीतने के लिए 3 ओवर में, सो आई गेस द मैच इज ओवर। देयर ही गोस, ही इज डन विद द वॉचिंग, ही इज इनटू द प्लेइंग नाउ। From Rohit Sharma, we know that he plays with his hands. Asking for trouble. To deposit it over the boundary, Shikhar Dhawan. Yep. He's gone big. Well, has he got enough? Yes, he has. Right, he figured out the field, it was inside the circle. Oh, it's a wonderful shot. Oh, he hit that well. Right, finds a way to go downtown and clears the boundary for 6. Now, has he got hold of that? Hold of it well enough. Don't see that too often. What a shot from Jasprit Bumrah, and you can see from the reaction, oh, they didn't expect it either. Bumrah is going to never tire of telling this tale, and they're going to never tire of hearing it. He connected it beautifully, but you should see where he was looking when he was doing that. Doesn't matter, that's a great shot again, it's a fine bowler.